नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आज प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। प्रश्नकाल के दौरान जैसे ही सवाल जवाब शुरू हुआ, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे और वेल में पहुंच गए। हंगामा और रिपोर्टर टेबल पीट रहे भाजपा विधायकों से स्पीकर ने कहा कि आप लोगों को जनता ने इसलिए जीता कर भेजा है, काम नहीं करना है और सिर्फ ढोलक बजाना है। जिसके बाद हंगामा बढ़ते देख अध्यक्ष ने 2 बजे दिन तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी कोरोना अपडेट के अनुसार कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 3,559 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत ने रिकॉर्ड 220 करोड़ अधिक कोरोना टीके की डोज को आंकड़ा पार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर जारी आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा रिकवरी रेट 58.80% है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के खिलाफ सवाल उठाया है। सुशील मोदी ने कहा कि समलैंगिक विवाह एक सामाजिक मुद्दा है, न्यायपालिका को इसकी वैधता पर फैसला नहीं करना चाहिए, इसके बजाय संसद और समाज में इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। विवाह एक ऐसा प्रावधान है जिसमें पुरुष और महिला दोनों एक साथ रहते हैं, बच्चे पैदा करके मानव श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे की ओर से वंदे मेट्रो ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है, जो 1950 और 1960 के दशक में डिजाइन की गई ट्रेनों की जगह लेगी। इसकी जानकारी रेल एवं संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित की गई हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 में आएगी। डिजाइन की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और हम दिसंबर 2023 तक देश में पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने में सक्षम हो सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल अर्जेंटीना जीता, सपना पूरा हुआ लियोनेल मेसी का। लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर रहे थे। इसका कारण टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के वर्ल्ड चैंपियन बनने का सफर है। इसमें 4 समानताएं हैं। 2003 के बाद 8 साल बाद टीम इंडिया विश्व कप फाइनल में पहुंची थी और खिताब जीती थी। लियोनेल मेसी की टीम 2014 विश्व कप के फाइनल में हारी थी, जिसके 8 साल बाद साल 2022 में फाइनल में पहुंची और विजेता भी बनी। भारतीय टीम बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज खेल रही है। दूसरा टेस्ट मीरपुर में खेला जाना है। इससे पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर है। कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल सके थे। इस बीच खबर यह है कि वह 22 दिसंबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शर्मा के हाथ में लगे अंगूठे की चोट अभी ठीक नहीं हुई है, जिसके चलते वह बांग्लादेश नहीं जाएंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने MBBS पाठ्यक्रम में कई अहम बदलाव किए हैं। NMC ने कहा कि 15 नवंबर से शुरू हुए सत्र से नया पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। डॉक्टरों को मौजूदा चिकित्सा चुनौतियों का सामना करने में दक्ष बनाने के लिए यह बदलाव किया गया है। जनवरी 2022 के बाद बैंक लॉकर से सामान के खराब होने या नुकसान होने की स्थिति में बैंक अपनी देनदारी से नहीं बच पाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के नए स्टैंडर्ड के अनुसार अगर बैंक की लापरवाही की वजह से लॉकर के किसी सामान का कोई नुकसान होता है तो बैंक को ग्राहकों को इसकी भरपाई करनी होगी। हिमाचल CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की रविवार शाम कोरोना वायरस संक्रमण की रिपोर्ट में पॉजिटिव आई है, यानी कि हिमाचल प्रदेश CM कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में स्थित हिमाचल सदन में 3 दिन तक क्वारंटाइन रहेंगे। इसका पता इसलिए चल सका है कि आज सोमवार को हिमाचल CM सुखविंदर सिंह सुक्खू को PM नरेंद्र मोदी से मिलना था। सुरक्षा को देखते हुए हिमाचल CM का कोरोना टेस्ट कराया गया। सोमवार को देर रात सुक्खू शिमला लौटना था, पर अब वे 22 को शिमला लौट सकेंगे। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली आज सरगम कौशल को आज यानी 18 दिसंबर 2022 को लास वेगास में मिसेस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। मिसेस कौशल ने 21 साल बाद खिताब वापस भारत लाने के लिए 63 देशों के कंटेस्टेंट को पीछे छोड़ दिया। मिसेस इंडिया पेंजेंट के ऑर्गेनाइजर ने इंस्टाग्राम पर खबर शेयर करते हुए कहा, लंबा इंतजार खत्म हुआ, 21 साल बाद हमारे पास ताज वापस आया है। श्रीराम मंदिर निर्माण समिति ने विराजमान रामलला स्थल पर निर्मित हो रहे भव्य और दिव्य मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा लायक बनाने की स्थिति में पहुंचाने का समय अब अक्टूबर 2023 निर्धारित कर दिया है। इससे पहले दिसंबर 2023 तक फर्स्ट फ्लोर के तैयार करने की बात कही गई थी। यह जानकारी निर्माण समिति की प्रथम दिन की बैठक के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने जीत लिया है। लियोनेल मेसी की टीम ने फाइनल मैच में फ्रांस को हरा दिया। वहीं फ्रांस की हार के बाद फैंस काफी नाराज नजर आए। उन्होंने फ्रांस में जमकर बवाल किया और देश के अलग अलग स्थानों पर तोड़फोड़ की। रिपोर्ट्स के अनुसार फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना के हाथों मिली हार के बाद फ्रांस में फैंस बौखला गए। उन्होंने राजधानी पेरिस के अलग अलग स्थानों पर तोड़फोड़ और आगजनी भी की।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच कराची में जारी तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में दोनों टीमों के बीच फिलहाल बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। तीनों मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे चल रही इंग्लैंड की निगाहें क्लीन स्वीप करने पर है, वहीं मेजबान पाकिस्तान के लिए यह मैच इज्जत की लड़ाई है। इस बीच राष्ट्रीय स्टेडियम में चल रहे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने एक खास कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लैंड ने कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने सोमवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के उपयोगकर्ताओं से यह पूछने के लिए एक पोल शुरू किया कि क्या उन्हें ट्विटर प्रमुख का पद छोड़ देना चाहिए। मस्क ने अपने अकाउंट से ट्वीट किया, क्या मुझे ट्विटर के प्रमुख के रूप में पद छोड़ना चाहिए? मैं इस पोल के परिणामों का पालन करूंगा। कई यूजर्स ने एलन मस्क के पोल पर अपने विचार व्यक्त किए। कतर में खेले गए फीफा विश्व कप फाइनल में फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना और इस जीत के साथ स्टार फुटबॉलर लियोनल मेस्सी का पुराना सपना भी पूरा हुआ। मेस्सी, जिन्होंने अर्जेंटीना के फाइनल में पहुंचने के बाद ऐलान किया था कि ये उनका आखिरी विश्व कप होगा, के लिए इससे बेहतर विदाई शायद नहीं हो सकती थी। हालांकि खिताबी जीत के बाद मेस्सी ने कहा कि वो अभी संन्यास नहीं लेना चाहते और एक विश्व कप चैंपियन के तौर पर अर्जेंटीना के लिए खेलते रहना चाहते हैं। भारत अब चीन से लगती विवादित सीमा पर निगरानी लगातार बढ़ाता जा रहा है। इसके लिए सेना ने अपनी क्षमताओं में भी इजाफा किया है। खासकर जमीन से लगते संवेदनशील बॉर्डरों पर दुश्मनों की अतिक्रमण की कोशिशों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना अब नौसैनिक साजे सामान का भी इस्तेमाल कर रही है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी और टिहरी बॉर्डर एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई है। इस 10 दिन पहले भी उत्तराखंड में धरती डोली थी। टिहरी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ब्रिजेश भट्ट ने बताया कि भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच यांगतसे में झड़प के बाद प्रसिद्ध त्वांग मठ के भिक्षुओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। त्वांग मठ के भिक्षुओं ने चीन चेतावनी देते हुए कहा कि ये 1962 नहीं, ये 2022 है और ये PM नरेंद्र मोदी सरकार है। त्वांग मठ के एक भिक्षु लामा येशी खावो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को नहीं बख्शेंगे, हम मोदी सरकार और भारतीय सेना का समर्थन करते हैं। भारत को विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर होना है, हम सही दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, बस हमें किसी दूसरे देश की नकल नहीं करनी। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने मुंबई में कहा। उन्होंने कहा कि जो धर्म मनुष्य को सुविधा संपन्न और सुखासीन बनाता है मगर प्रकृति को नष्ट करता है, वो धर्म नहीं है। उसी का अनुकरण अमेरिका और चीन को देखकर भारत करेगा तो ये भारत का विकास नहीं है। विकास होगा मगर भारत चीन और अमेरिका जैसा बनेगा। ऐसा करने के पीछे अपने धर्म और संस्कृति को लेकर उदासीन होने की जरूरत नहीं है। CBSE बोर्ड परीक्षाओं के लिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लाखों छात्र छात्राओं का इंतजार आज 19 दिसंबर 2022 को समाप्त हो सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से प्राप्त लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक CBSE सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 15 फरवरी से कर सकता है जबकि बोर्ड सेकेंडरी एग्जाम 16 फरवरी से आयोजित कर सकता है। हालांकि इस संबंध में स्टूडेंट CBSE डेटशीट 2023 से ही आधिकारिक जानकारी ले सकेंगे, जिन्हें दोनों ही कक्षाओं 10 और 12वीं के लिए आज 19 दिसंबर को जारी किए जाने की संभावना है। देश के 7.20% नागरिकों के पास पासपोर्ट है। दिसंबर के मध्य तक 9.6 करोड़ लोगों के पासपोर्ट बन चुके थे। इनमें से अधिकांश पासपोर्ट बीते एक दशक में बने हैं। अगले कुछ माह में ये आंकड़ा 10 करोड़ तक पहुंचने वाला है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2.2 करोड़ से अधिक या लगभग 1/4 पासपोर्ट केरल और महाराष्ट्र में जारी किए गए। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और कर्नाटक उच्च संख्या वाले अन्य बड़े राज्यों में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आतंक के खिलाफ मोदी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं जिसके कारण देश में आतंक का खात्मा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में 168% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि ट्रेड फाइनेंसिंग के मामले में 94% दोष सिद्ध दर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच तेलंगाना कांग्रेस में पड़ी फूट तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के करीब 12 सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन 12 सदस्यों ने इस्तीफा देने के बाद तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 50% से अधिक सदस्य ऐसे हैं जो हाल ही में तेलुगु देशम पार्टी से जुड़े हैं। फुटबॉल फैंस ने रविवार को फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल का अपडेट जानने के लिए गूगल सर्च का इतना सहारा लिया कि सर्च इंजन के 25 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा ट्रैफिक का रिकॉर्ड बन गया। गूगल के CEO सुंदर पिचोई ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी।
कार्मिक मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे सुशासन सप्ताह में 3,100 से अधिक नई सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। प्रशासन गांव की ओर विषय पर आधारित राष्ट्रव्यापी अभियान के दौरान कई सुशासन गतिविधियों की योजना बनाई गई है। ज्ञान के अनुसार यहां विज्ञान भवन में सोमवार को केंद्रीय कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह 5 दिवसीय प्रशासन गांव की ओर अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान देश भर में जिलाधिकारियों की ओर से चिन्हित 3,120 सेवाओं को ऑनलाइन किया जाएगा। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग का सबसे पहले विरोध मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया था। इसके बाद यह चिंगारी अब पूरे देश में फैल गई है। अब कांग्रेस ने भी गृह मंत्री द्वारा किए जा रहे फिल्म के विरोध पर तंज कसते हुए सवाल किया है कि अभिनेत्री कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में भगवा पर जूते रखने के खिलाफ क्या वो FIR करवाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी का एजेंडा है कि मूल समस्या से ध्यान भटकाकर मोदी सरकार और शिवराज सरकार की नाकामियों को छिपाया जाए। जनता का ध्यान भटकाने के लिए वह ऐसे पाखंड करती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गोवा मुक्ति दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी और इस आंदोलन में भूमिका निभाने वालों के योगदान को याद किया। मोदी ने एक ट्वीट में कहा, गोवा मुक्ति दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं। आज के दिन हम उन सभी के साहस और बेहद महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हैं जो गोवा को मुक्त कराने के आंदोलन का हिस्सा थे। हम उनके दृष्टिकोण से प्रेरित हैं और गोवा के विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा 2 साल के बाद बोधगया जाने के लिए आज सुबह अपने निवास स्थान से रवाना हो गए हैं। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने चीन लौटने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ही मेरी पसंद है और कांगड़ा ही उनका स्थायी निवास है। उन्होंने कहा कि अब चीन लौटने का कोई मतलब नहीं है, चीजें बेहतर हो रही है। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा 2 साल के बाद बोधगया जाने के लिए अपने निवास स्थान से रवाना हो गए हैं। एना नारायण मूर्ति ने कहा कि वास्तविकता ये है कि आप क्या बनाते हैं। संस्थान की एक प्रेस विज्ञप्ति में नारायण मूर्ति के हवाले से कहा गया कि भारत में वास्तविकता का मतलब होता है भ्रष्टाचार, गंदी सड़कें, प्रदूषण और कई बार बिजली न होना। हालांकि सिंगापुर में वास्तविकता का अर्थ है स्वच्छ सड़कें, प्रदूषण मुक्त वातावरण और पर्याप्त बिजली की उपलब्धता। इसलिए इस नई वास्तविकता को बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। नारायण मूर्ति ने आगे कहा कि युवाओं को समाज में बदलाव लाने की मानसिकता विकसित करनी चाहिए। जनता, समाज और राष्ट्र के हित को अपने निजी हित से ऊपर रखना सीखना चाहिए। बच्चन फैमिली के लिए ये सेलिब्रेशन टाइम है। दरअसल अभिषेक बच्चन की कबड्डी टीम जयपुर पिंक पैंथर्स ने शनिवार को प्रो कबड्डी लीग का खिताब भी जीत लिया। अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों ने जीत के लिए चीयर करते हुए टीम के साथ कई तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन शेयर किए। कुछ तस्वीरों में आराध्या ने ट्रॉफी के साथ पोज भी दिया। वहीं इस इवेंट की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन जिस एक वीडियो ने सभी का ध्यान खींचा है उसमें ऐश्वर्या बाजीराव मस्तानी एक्टर रणवीर सिंह के गाल खींचती नजर आ रही है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद नौशद राजा, नोनो गोलू कुमार, रविशंकर, अमरजीत कुमार, मोहम्मद अफजल मंसूरी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अब तक के फुटबॉलरों में आपका पसंदीदा कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।